जय हिंद दोस्तों, यदि आपने डीके यादव न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। संभल सके तो अब जरा मजे लेते हैं इस तजुर्बे के, इस एक्सपेरिमेंट के, इस एडवेंचर के जो कि मिस एडवेंचर में बदल चुका है, और उस कैलकुलेशन के जो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की अदम दस्तियाबी है और अवाम इस वक्त फट पड़े हैं। कानून की शक्ल इख्तियार कर गई है और पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियां बेहतरीन थी इस हवाले से एक और आलमी गवाही पर। उर्दू का एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। यह मुहावरा हमारी सियासत और सियासी रहनुमाओं पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये मंजर हमने बार बार देखे हैं कि एक वक्त में सियासी राहबर जिस चीज की बदतरीन मुखालफत कर रहे होते हैं, हालात बदलते ही उसकी मिदहत में जमीन और आसमान के कराबे जानना शुरू कर देते हैं। इंडिया के साथ तजारत की बातें चल रही हैं, मौजूदा हुकूमत की कोशिशें हैं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो, उस ट्रेड के मुतालिक अवाम की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि जो इंडिया के साथ तजारत के मामलात चल रहे हैं, ये बड़ा शेमफुल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि मेरे हिसाब से जो लोटा लोग हुए हैं, इन पे जो पैसा खर्च किया गया हो, मैं बहुत ब्रॉड करता हूँ, कहना चाहिए नेपरा देखती है कि जो अवाम है वो पिसे नहीं, जो पैसे लगाने वाला है उसके पहले पैसे पूरे वापस हो जाएं और बिजली हर वक्त अवाम को मिले। अच्छा, अब अगर खर्च किया गया तो 1 अरब रुपए खर्च कर दिया होगा, लोटा बना दिया गया। अब मैं तजारत की बात करता हूँ, पाकिस्तान में मुश्किल हालात रहे हैं इंडिया के मुकाबले में। अगर पाकिस्तान के अंदर टमाटर 100 रुपए किलो करेगा, इंडिया $1 बिलियन लगा के कहेगा यहाँ पे 20 रुपए बिकवाओ, उसके बाद वो प्याज पे आएंगे, उसके बाद घी पे आएंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़त्म आएगी। फिर वो कहेंगे कि पिंडी से लेके कराची तक का PIA जो है वो किराया ले रहा है 25,000 रुपये, एयर इंडिया 10,000 रुपये में करेगी, हम तो खुश होंगे, चले जाएंगे उस पर, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो आप पे कब्ज़ा करते चले जाएंगे। लिहाजा उनके साथ ट्रेड का मतलब ये है कि आप खुदकशी कर लें। ट्रेड अगर आपने करना है तो उस मुल्क से करें जिसका आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिसके साथ आपके कंटिग्यूस बॉर्डर नहीं है, जिसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं। आप जाएँ और दुबई से करें, आप जाके ईरान से करें, आप रूस से करें, अमेरिका से करें और बाकी जितने भी UK से करें। लेकिन माजी में इमरान खान ने भी तो इसके हामी थे। नहीं, हामी अब देखें बैलेंस्ड होकर हामी है क्या, इस वक्त आपकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है, वो जब यहाँ पे जो फ्लड इन कर देंगे आपकी मार्केट चीप कमोडिटी से, तो यहाँ के लोग तो आवाम बेचारे वैसे ही पिसे में, वो तो चक्कर में आएंगे कि भाई इंडिया से आने लगे चीज़ें और वो उनको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है हमारे साथ। फिर लेटर ऑन में आपका वो कहेंगे क्योंकि एयर इंडिया चल रही है लिहाजा एयर कंट्रोल भी हम करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, खुदकशी करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। लिहाजा इस किस्म की जो कार्रवाई है ये ऐसी दिल बर्दाश्ता पूरे मुल्क को करेगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या होगा अगर आप इसको इस तरह लूज एंड छोड़ देंगे। आप करें, आप क्या देंगे उन्हें, अगर वो यहाँ पर कुछ बेचते हैं आप उनको क्या देंगे, बता दीजिए, आप बता दें मुझे, आपकी बड़ी गहरी निगाह है ना, क्योंकि ट्रेड होता है ना कि कुछ दो कुछ लोग के हिसाब से, वो तो आपकी मार्केट को फ्लड हर चीज़ से कर देंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ छुरी कांटे या कुछ और भी है। तो आपको लगता है कि ये ऐसा कोई मुआहदा नहीं होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं, ख़ास तौर पे मैं इंडिया के मुतालिक कह रहा हूँ, मैं और नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ UK के साथ करें, फ्रांस के साथ करें, बेल्जियम के साथ करें, जितनी भी अमरीका के साथ भी करें। अमरीका क्यों नहीं, क्यों नहीं, अमरीका हमारा बहुत बड़ा पार्टनर रहा है और हमें चाहिए कि हम उनके साथ ट्रेड करें, उनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक सुपर पावर है, हमें अपने खुददारी दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज़ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं, जो जायज़ बात है उस पर आप उनके साथ रहें, आप कहें कि हम आपके साथ हैं, अगर कोई जंग में आप चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे तो नहीं जाएंगे, ट्रेड में आप रहें, कह रहे हैं कि ट्रेड में जाना चाहिए हमें, बाकी तमाम ममालिक के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ होने वाले मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान है कि यूटिलिटी स्टोर पर एक तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, दूसरी जानब अगर कुछ लेने जाते हैं तो वो भी नहीं मिलता, और हुकूमत ने गरीबों पर मजीद बोझ डाला है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद चने 87 रुपये, दाल मसूर 55 रुपये महंगी हो गई है, और दाल चना की कीमत 162 रुपये से बढ़कर 190 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि इस सारे के सारे मामले में दीगर तमाम तर दालें, दीगर तमाम तर वो चीज़ें जो एक आम गरीब आदमी
एक सफेद पोश आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाता है, जिसकी आमदन एक रुपया भी नहीं बढ़ी, लेकिन उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध जो आप बच्चे को अपने पिलाते हैं और जो सब्जियां हैं, बेसिक चीजें, सब्जी, दाल, दूध, इसके अलावा तो गुजारा नहीं है, ये तमाम तर चीजें अभी मजीद महंगी होनी है जब महंगाई के पेट्रोल डीजल की कीमतों के असरात इन पर भी पड़ने हैं। जबकि इस सारे मामले के अंदर अब इंपोर्टेड हुकूमत एक्सपोज भी होती जा रही है। शौकत तरीन साहब ने कहा कि हमने रूस को खत लिखा था, ये जाकर सस्ता तेल लेते और अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देते। बड़ा सादा सा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन इस फॉर्मूले में बैरूनी आका जो लाए हैं, जिन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, वो नाराज हो जाते थे। तो फिर जाहिर बात है ये सब कुछ ऐसे तो नहीं किया जा सकता। रूसी काउंसिल जनरल ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि पाबंदियों का हल निकाला जाए तो रूस और पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी मुआहिदा हो सकता है, मुआशी तावुन जो है वो रूस और पाकिस्तान इस वक्त बढ़ा सकते हैं। यानी कि वो बेचारे सीधा सीधा आपको ऑफर्स कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको ऑफर्स की जा रही हैं कि भाई आप आए हमारे साथ मामलात तय करें, हम तैयार हैं अपनी आवाज। ये मुहावरा आज मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुनकर याद आ गया, जिसमें वो आईएमएफ से मुआहदे होने के फजाइल बयान कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब शायद भूल गए कि ये वही आईएमएफ है जिससे मुआहदा करने पर वो साबिक हुकूमत पर ये इल्जाम लगाते थे कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है, लेकिन हुकूमत मिलते ही अब शहबाज शरीफ साहब के ख्यालात और बयानात दोनों ही बदल गए हैं। अब आईएमएफ की सख्त शरायत और मुआहदे दोनों ही हलाल हो गए हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल महंगा करना भी गलत था और इस पर सब्सिडी देना हराम, मगर मुत्तहिदा हुकूमत में पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करना भी दुरुस्त है और पेट्रोल रिकॉर्ड महंगा करना हलाल। साबका हुकूमत में एहतसाब गलत था, सियासी इंतकाम था, हराम था। अब मौजूदा हुकूमत सिर्फ एहतजाज करने पर पीटीआई रहनुमा पर जो दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है वो सियासी इंतकाम नहीं है बल्कि हलाल है। खबर यह भी है कि हुकूमत ने इमरान खान की बरियत की हिमायत करने पर दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ओहदों से हटा दिया। इशू ये है कि हमारे जो हमने जो कोल, ऑयल, एलपीजी को और गैस के ऊपर जो हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पे पंजाब में जो लगाए हुए हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड एलएनजी, कोल, तो ये जो एंड ऑयल, तो ये जो चीज़ें हैं इनमें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन नहीं है। इसका मतलब है आप डिपेंड नहीं कर सकते कि आपको वही कीमत हमेशा मिलती रहेगी, या तो आपके बहुत लॉन्ग टर्म वायदे होते सऊदी अरेबिया से, ईरान से, कतर से या किसी और मुल्क से कि जी आप हमें 20 साल के लिए इस रेट पे सप्लाई करेंगे, वो आपके रेट है नहीं। अब आपको स्पॉट परचेज करनी पड़ती है और स्पॉट परचेज बहुत महंगी पड़ जाती है और ख़ासतौर पर आज के हालात में। अब देखिए हमारे तीन इशूज़ हैं जो हमें करने होते हैं अभी इस शॉर्ट टर्म के लिए। सबसे पहला वक्त, टाइम। आज भी आप कोई चीज करने जाएं, नया पावर प्लांट लगाएं, हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं तो 8-10 साल लग जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं तो ये कम से कम 8-10 साल लगते हैं। जी जो भी पावर प्लांट लगाएंगे हम उसके अलावा, हाँ, वो सारे टाइम कंज्यूमिंग है। थर्मल तो जाहिर है हम उसको बात ही नहीं करना चाहते, बिकॉज थर्मल जल्दी आती है लेकिन बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो अब आप पास जो चॉइसेस रहती हैं वो हैं कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी में जाएं जिसमें इम्पोर्ट खत्म हो जाए आपकी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हुकूमत ने जोर नहीं दिया, वो है सोलर और विंड एनर्जी के कॉम्बिनेशन। विंड एनर्जी सारा साल में 38-40% ऑफ द टाइम अवेलेबल होती है, सोलर एनर्जी 18-20% अवेलेबल होती है, दोनों को मिला के कुछ ओवरलैप निकाल के 50-55% ऑफ द टाइम इन ए ईयर ये अवेलेबल होती है। अच्छा, आपने एक चीज की जो अभी आपने कही कि भाई ये सारी चीजें हैं जिसपे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कभी हुकूमतों ने किया नहीं, तो क्यों नहीं किया? क्या उनको नहीं मालूम एक एनर्जी एक्सपर्ट होते हुए आप ये सारे मामलात बता रहे हैं कि जी ये कर सकते थे जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि आवाम को सस्ती बिजली भी मिलती? क्यों हुकूमतें नहीं करती, ना इस तरह के मुआहदे करती हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, ना कोई पावर प्लांट लगाती हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली हमारा पाकिस्तान का मसला ये है जी कि हम जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन नहीं लेते। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक दफा आते हैं, काफी अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे नहीं होते, उनकी कैपेबिलिटी से बाहर होता है कि पहले वो समझे नेपरा को
फिर वो ऑयल एंड गैस को समझे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट समझे, फिर हाइड्रो पावर प्लांट समझे, ये बड़े कॉम्प्लेक्स गेम्स होते हैं। इनके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अलावा आपको ट्रस्ट करना पड़ता है उस इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप के ऊपर जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, और उनको ट्रस्ट करके, उनको सपोर्ट करके, उनसे कहें